आज जो हम बात करने वाले हैं वो DSSB के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, और जो लास्ट वैकेंसीज निकली हैं TGT और PRT की, स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की, हम उसके बारे में हम बात करेंगे। उसी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके का जो है एग्ज़ाम में कौन कौन से कंटेंट आ सकता है, कौन से टॉपिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। तो ये जो है क्लास पहले मैं ले चुकी हूँ, उसी का ही कंटिन्यू मैं आगे कर रही हूँ। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं ली है तो मैं लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके आप पहले वाली क्लास भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त जाया कि हम आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने जहाँ पे छोड़ा था वो लास्ट जो था हम लोगों ने, हमने एक्स और एक्स के बारे में पढ़ा था, रिजर्व स्कीम और पॉलिसी के बारे में देखा था कि कौन कौन सी आई थी। अब उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे एजुकेशन कमीशन के बारे में। ये जो सारी एजुकेशन कमीशन है वो कब आई, कब बनी थी, उसके बाद उसका क्या रोल था एजुकेशन सिस्टम में, उसने क्या काम किया उसके बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम नेशनल गवर्नमेंट बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो जो है डिसेबल्ड बच्चों के लिए काम करती हैं। उसके बाद असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, असेसमेंट क्या है, उसका मीनिंग, उसके टाइप, क्यों ज़रूरी है वो असेसमेंट, करने के मेथड क्या है, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट है आपका इवेल्यूशन जो है, असेसमेंट के बाद इवेल्यूशन आता है, वो क्या है, उसका मीनिंग क्या है और क्या बेनिफिट है उसके, मेथड क्या है उसे करने का, उसे किस तरीके से रिकॉर्ड किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और भी है इसके अंदर कि असेसमेंट और इवेल्यूशन में क्या डिफरेंस है, हम उसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है, कॉन्सेप्ट, बेनिफिट, उसके ऑब्जेक्टिव, नीड, उनमें क्या डिफरेंस है, उन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन में किस तरीके के बैरियर्स देखे जाते हैं उसके बारे में, फिर उसके बाद लर्निंग किस तरीके से की जा सकती है, कितने टाइप्स की लर्निंग की जाती है, कॉपरेटिव लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, मल्टी लेवल टीचिंग, तो ये सब के बारे में उनकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स, उसके मेथड, क्या उसमें डिफरेंस है अदर्स में, क्या डिफरेंस है, किस तरीके से वो बेनिफिट देते हैं, हम उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसमें से एक आधा जो क्वेश्चन है अटक जाता है कभी कभी। उसके बाद आपका है इंफॉर्मेशन कम्युनिटी टेक्नोलॉजी, उसका मीनिंग, उसका रोल, ICT क्या है, हम उसके स्कूल में क्या रोल है उसके बारे में बात जानेंगे। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर CWSN, जो टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है कम्युनिकेशन के लिए, अडेप्टेशन इन टेक्नोलॉजी फॉर वेरियस डिसेबिलिटी, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो है अलग अलग डिसेबिलिटीज वाले पर्सन के लिए यूज़ हुई हुई है। उसके बाद अडेप्टेशन हम पढ़ेंगे, अडेप्टेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, और इसके लिए किस डिसेबिलिटीज के लिए कहाँ पे किस तरीके की अडेप्टेशन की जा सकती है, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद आपका जो है मेथड्स की बात होती है, टीचिंग मेथड्स की, बहुत सारे मेथड्स हैं जो CWSN चिल्ड्रंस के लिए यूज़ होते हैं, हम उसको देखेंगे। इनमें से एक क्वेश्चन जो है अटक जाता है कभी कभी, ये जो है प्लेवे मेथड पे, कभी मोंटेसरी मेथड पे, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ये सारे मेथड ही हैं, ब्रेल मेथड, आपका लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ये सारे जो है मेथड्स हैं, टीचिंग के मेथड हैं कि किस तरीके से कराई जा सकती है मेथड, उसके हम लोग यूज़ करते हैं टीचिंग के अंदर। नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ लर्निंग, लर्निंग की क्या क्या स्टेजेस हैं, टीचिंग स्ट्रेटेजीज क्या क्या हैं, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग और टीचिंग एग्जामिंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या जो प्रिंसिपल है टीचिंग के, किस बिहाफ पे जो है टीचिंग कराई जाती है, किस सिद्धांतों को ध्यान में रख के कराई जाती है।
इसके एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है ये कौन सा सिद्धांत है टीचिंग का, तो बहुत अच्छे से इसे क्लियर करना होगा ताकि कोई भी एग्जाम्पल आ जाए तो उसे आप झट से पहचान सके कि कौन सा प्रिंसिपल इसके अंदर यूज़ हुआ हुआ है। उसके बाद एजुकेशन इम्प्लीकेशन किया जाएगा सभी डिसेबिलिटीज़ के बारे में, ट्रेनिंग स्किल फॉर ऑल डिसेबिलिटीज़, लाइफ स्किल्स क्या है डिसेबिलिटीज़ के लिए, क्या क्या उसके अंदर टाइप्स क्या हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसे किस तरीके से सिखाया जा सकता है। वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की जाएगी, ये आपका आईपी क्या है उसके बारे में पूरी डिटेल के बारे में हम पढ़ेंगे, आपका ट्रांजिशन प्लान क्या है, आईएफएसपी प्लान क्या है और आईपी और आईएफएसपी में क्या डिफरेंस है इसके बारे में पढ़ा जाएगा। उसके बाद आपका टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट आता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग एड्स क्या है, उनमें क्या डिफरेंस है, क्या आज के टाइम में जो है पहले ही जो मटेरियल यूज़ होता था अब क्या मटेरियल यूज़ होते हैं, क्या डिफरेंस है उनमें, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। करिकुलम क्या है, करिकुलम उसकी डेफिनेशन, उसके अप्रोचेज, उसके टाइप्स, उसके प्रिंसिपल्स और साथ ही साथ करिकुलम अडप्टेशन क्या है और कौन सी डिसेबिलिटीज के लिए किस तरीके से अडप्टेशन किया जाता है वो भी आएगा। नेक्स्ट जो आता है फैमिली कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन, उसका रोल चाइल्ड डेवलपमेंट में, आईपी में, आईएफएसपी में, सीबीआर में उसका क्या रोल है, फैमिली का रिहैबिलिटेशन सर्विसेज के बारे में उसके डेफिनेशन कॉन्सेप्ट, उसकी टीम्स और उनका क्या रोल है आईपी के अंदर, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज के अंदर, चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके बाद आपका सब्जेक्ट टीचिंग शुरू हो जाता है, पैडागोजी, चाहे लैंग्वेज की बात की जाए, लैंग्वेज में जो है उसके मेथड, उसके प्रिंसिपल और किस तरीके से डेवलप किया जाता है, टेक्निक क्या हो सकती है एक लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए, उसके बारे में बात की जाएगी। लैंग्वेज के साथ साथ साइंस और मैथ्स की पैडागोजी भी आती है, सोशल साइंस और ईवीएस की पैडागोजी भी आती है। उसके बाद ब्लूप्रिंट किस तरीके से रेडी किया जाता है, ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है उसके बारे में जानेंगे। ग्रुप टीचिंग क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, किस तरीके से ग्रुप बनाया जा सकता है, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, माइक्रो मैक्रो टीचिंग क्या है, ग्रुप टीचिंग के बेनिफिट क्या हैं, नुकसान क्या है, लेसन प्लान क्या होता है, वन टू वन टीचिंग से किस तरीके से डिफरेंट है। उसके बाद जो है ब्रेन ब्रेन मेथड की जो है हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि कब शुरू हुआ था और इंडिया में कब आया था, तो इसके थोड़ा सा आपको डिटेल पता होनी चाहिए। इसी तरीके से ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के बारे में, इंडियन साइन लैंग्वेज और लिप रीडिंग के बारे में जाना जाएगा। गिफ्टेड और क्रिएटिव चाइल्ड, उसका मीनिंग, उसका कॉन्सेप्ट, एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं, यानी क्लासरूम के अंदर किस तरीके की स्ट्रेटेजीज का आप यूज़ करेंगे उनके लिए, क्या टीएलएम का यूज़ करेंगे उसके बारे में देखेंगे, यूडीएल क्या है उसके बारे में देखेंगे, ये उसकी मीनिंग, उसका कॉन्सेप्ट, उसके प्रिंसिपल और आज का जो है यूडीएल और ट्रेडिशनल जो क्लासरूम होता है उनमें क्या डिफरेंस है, एजुकेशन के अंदर किस तरीके के आज के इश्यूज आ रहे हैं, सेंसेशन क्या है और उसके डेफिनेशन को सेंसरी प्रोसेसिंग, साथ ही साथ सीडब्ल्यूएसएन में किस तरीके के करेक्टरिस्टिक्स नजर आते हैं इसको देखकर वो भी देखेंगे। स्टेजेस ऑफ टीचिंग, लर्निंग एनवायरनमेंट, साइकोलॉजिकल और फिजिकल उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या है, गाइडेंस और क्या है काउंसलिंग, उसके टाइप्स, उसके रोल, मीनिंग, कॉन्सेप्ट उसके बारे में जानेंगे कि कौन दे सकता है, काउंसलिंग के लिए कौन एलिजिबल है, गाइडेंस के लिए कौन एलिजिबल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे आज का सेशन जो है खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप कोई टॉपिक पहले देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो कोशिश करूंगी उसे जल्दी लेकर आने की। साथ ही साथ अगर आप कोई चेंजेस चाहते हैं या कुछ सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कोशिश करूंगी उसे भी फॉलोअप करने की। तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। तो आज के लिए बस इतना ही।